नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। मौसम, हिमाचल में दो दिन भारी बारिश, बर्फबारी का अलर्ट, प्रदेश में 138 सड़कें अभी भी बंद। हिमाचल प्रदेश में आज और कल भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट है। 8 मार्च को मौसम साफ रहने और 9 मार्च से फिर बादल बरसने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा प्रदेश में अभी भी 138 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप है, 8 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में 127, मंडी में 4, कुल्लू में 3, चंबा में 2 और सोलन जिला में 1 सड़क बंद है। लाहौल स्पीति में 6 और चंबा जिला में 2 पेयजल योजनाएँ भी बंद पड़ी हैं। यूक्रेन संकट, -5 तापमान के बीच सुमी में फंसे 700 भारतीय। -5 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच यूक्रेन के सुमी शहर में 700 भारतीय विद्यार्थी फंसे हैं। इन्होंने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है। कहा है कि सुमी शहर में अत्यधिक बर्फबारी के कारण भारी ठंड पड़ रही है। विद्यार्थी बंकरों से वापस हॉस्टलों के कमरों में लौट आए हैं। उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं रहा है। बर्फ एकत्रित कर पिघलाकर पानी पी रहे हैं। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल से हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराहा के धीरज कुमार ने बताया कि वह यूक्रेन की सुमी नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतिम वर्ष के छात्र हैं। पर्यटन कारोबार को लगेंगे पंख, हिमाचल के कांगड़ा एयरपोर्ट पर कल से शुरू होंगी चारों उड़ानें। कोरोना के मामले कम होते ही पर्यटकों ने पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करना शुरू कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान कांगड़ा हवाई अड्डा आने वाली फ्लाइटों को बंद कर दिया गया था। मामले घटने के बाद अब सोमवार से दिल्ली व चंडीगढ़ से एयर इंडिया और स्पाइस जेट की चारों फ्लाइटें आना शुरू हो जाएंगी। वहीं 27 मार्च से दिल्ली से एयर इंडिगो कंपनी की फ्लाइट आना भी शुरू हो जाएगी। शाहपुर आईटीआई में ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल खोलने की तैयारियां तेज, हस्ताक्षरित हुआ समझौता ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के शाहपुर आईटीआई में ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल खोलने की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश का पहला फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने के लिए कल राज्य सचिवालय शिमला में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। सरकारी कर्मचारियों के साथ आम लोगों को भी ड्रोन के उपयोग के बारे में यहां मार्गदर्शन मिलेगा। युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में 4 और फ्लाइंग स्कूल खोलने की भी घोषणा की है। अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता उन्ना को हराकर मंडी कॉलेज बना हॉकी चैंपियन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग के फाइनल में मंडी कॉलेज की टीम विजेता रही। पिछले कल फाइनल उन्ना और मंडी कॉलेज के बीच खेला गया। इसे मंडी के खिलाड़ियों ने 3-2 से अपने नाम किया। पिछले कल खेले गए सेमीफाइनल में उन्ना की टीम ने सुन्नी को 7-1 के बड़े अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मंडी ने MLSM सुंदरनगर को 3-2 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। वहीं फाइनल मैच में उन्ना और मंडी के बीच खेले गए मंडी की टीम विजेता रही। अब विधानसभा घेरेंगे, JIT प्रशासन से मिली अनुमति, 11 बजे बोलेंगे हल्ला। NPS कर्मचारियों के बाद अब JIT ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। JIT विधानसभा को घेरने आ रहे हैं। 7 मार्च को चौड़ा मैदान में JIT प्रदर्शन करेंगे। बड़ा फैसला, हिमाचल में नगर निकायों के NOC के बिना भी मिलेंगे नए बिजली कनेक्शन। हिमाचल प्रदेश में अब नगर निकायों के NOC के बिना भी बिजली कनेक्शन लग सकेंगे। बिना नक्शा पास कराकर बनाए भवनों के मालिकों सहित प्रदेश के हजारों घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड ने बड़ी राहत दे दी है। 20 किलोवाट तक की क्षमता के घरेलू कनेक्शनों के लिए यह नई व्यवस्था की गई है। इसके तहत पहचान पत्र और संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र पर नया बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बीते दिनों हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2009 को संशोधित किया था। NRP यूनिसिका प्रोजेक्ट, फिंगर और हथेली के प्रिंट से पता चलेगा बच्चों को कितने लगे टीके।
अब बच्चों की फिंगर और हथेली की बायोमेट्रिक शिशु टीकाकरण करने में उनकी पहचान बताएगी। इस तकनीक से अभिभावक अब देश के किसी भी हिस्से में शिशु का टीकाकरण करवा सकेंगे। इसमें यह भी जानकारी मिलेगी कि बच्चे को कितने टीके कब कब लगे। यह सब नागरिक रोग प्रतिरक्षक NRP एकीकृत स्मार्ट टीकाकरण कवरेज निगरानी और विश्लेषण यूनिस्का परियोजना के तहत संभव हो पाएगा। कच्चा माल हुआ महंगा, रूस यूक्रेन युद्ध से बढ़ गए एल्यूमिनियम फॉइल के दाम। रूस यूक्रेन में पिछले 9 दिनों से जारी युद्ध के चलते भारतीय फार्मा उद्योग में पहुंचने वाला कच्चा माल महंगा हो गया है। रूस से आयात होने वाले 22% एल्यूमिनियम पर देश निर्भर है। युद्ध के कारण सप्लाई बंद है। एल्यूमिनियम रेट में तेजी और लंदन मेटल एक्सचेंज की कीमत 2700 से बढ़कर $4000 प्रति मीट्रिक टन पहुंच चुकी है। इससे दवा उद्योग प्रभावित होने लगा है। भारत उद्योग संघ के हिमाचल इकाई के उपाध्यक्ष सुमित सिंगला ने बताया कि जून जुलाई 2021 में एल्यूमिनियम के पोली स्ट्रिप का कच्चा माल जो पहले 230 रुपये प्रति किलो था वो अब 400 रुपये पहुँच गया है। कुर्सी को लेकर टकराव, उपनिदेशक ने जारी किया स्कूलों का निरीक्षण शेड्यूल, दूसरे ने किया कैंसिल। शिक्षा उपनिदेशक निरीक्षण विंग हमीरपुर में एक पद पर सेवाएं दे रहे उपनिदेशकों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। वर्तमान उपनिदेशक जगदीश कौशल ने 2 मार्च को जिला हमीरपुर के सभी प्राइमरी, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपलों को पत्र जारी कर मासिक निरीक्षण शेड्यूल के बारे में अवगत करवाया था, लेकिन नए उपनिदेशक ने पिछले कल इन सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर पूर्व में जारी मासिक शेड्यूल को कैंसिल कर दिया। हिमाचल में 67 नए पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल 67 और कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। राहत की बात है कि पिछले कल किसी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई है। राज्य में कोरोना सक्रिय केस 537 रह गए हैं। प्रदेश में पिछले कल कुल 4390 लोगों के सैंपल लिए गए। 66 मरीज ठीक भी हुए हैं। अभी तक प्रदेश में कुल 4103 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। उच्च शिक्षा निदेशालय, स्कूलों में हिंदी के अलावा अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में भी होगी प्रार्थना सभा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द हिंदी के अलावा अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में भी प्रार्थना सभा की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल प्रिंसिपलों को इस बाबत तैयारियां रखने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं अभी कोरोना संक्रमण के चलते स्कूलों में प्रार्थना सभा करने पर रोक लगाई गई है। बंदिशें हटते ही प्रार्थना सभा को शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने भी बीते दिनों स्कूलों में लगी कोरोना बंदिशों को कम करने की बात कही है। 20 NPS कर्मचारियों पर FIR, ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन के बाद पुलिस की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन बहाली की मांग कर रहे NPS कर्मचारी संघ के 20 कर्मचारियों पर FIR दर्ज की गई है। इनमें से 15 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बालूगंज थाने बुलाया गया था। इसके साथ ही उस दिन हुए पूरे घटनाक्रम की CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस ने कर्मचारियों के खिलाफ IPC की धारा 147, 149, 341, 253 और 332, इसके अलावा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला भी दर्ज किया है। वहीं FIR के अनुसार 3 मार्च को शिमला टूटीकंडी में सभी कर्मचारी एकत्रित हुए और आगे बढ़ते हुए 103 टनल के पास NPS कर्मचारियों ने हल्ला बोला। इस दौरान कर्मचारियों द्वारा यातायात बंद किया गया। तो ये थे कुछ सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।